द इफेक्ट्स ऑफ इकनॉमिक शॉक इन अ स्मॉल ओपन इकॉनॉमी जी स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि कोई भी इकनॉमिक शॉक जो है वो एक स्मॉल ओपन इकॉनॉमी को कैसे उसके गुड्स मार्केट को किस तरह से अफेक्ट करेगा सो एनी थिंग दैट इंक्रीजिस डिजाइड नेशनल सेविंग रेलेटिव टू द डिजाइड इन्वेस्टमेंट एट अ गिवन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट Will increase net foreign lending. Okay. Let's see. Suppose we have this investment desired curve, saving curve. Okay, and suppose this is the word interest rate RW. Okay. So this difference actually, this is important. This is the net foreign lending. Okay, economy may at this. वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट इज़ दिस मच एंड सेविंग इज़ दिस मच सो दिस डिफरेंस इज़ नेट फॉरन लैंडिंग सो आज हम इस, इस पर बात करेंगे कि इस नेट फॉरन लैंडिंग पर किसी भी इकनॉमिक शॉक का किस क्या असर होगा ओबियसली असर की दो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी शॉक किस क्या हो सकता है एक तो वो शौक हो सकता है जिससे सेविंग करो आप द टू द रट शिफ्ट हो जाए तो उससे ये डिफरेंस इनक्रीज़ हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट कर्व जो है टू द लेफ्ट शिफ्ट हो जाए सो दैट विल इंक्रीज दिस डिफरेंस। सेविंग कर्व कैसे राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है हम जानते हैं कि अगर करंट इनकम बढ़ जाती है वायर आइज करती है तो उससे आपकी करंट सेविंग इंक्रीज हो जाएगी सेकंड हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम फॉल कर जाती है तो ये भी लोगों को करंटली ज़्यादा सेव करने की तरफ माइल करेगी क्योंकि उनके फ्यूचर की इनकम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा नहीं है उनकी इनकम कम हो जाएगी तो फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा सेव करना चाहेंगे और इसी तरह से अगर किसी भी गिवन इनकम लेवल पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसने ज़्यादा खर्च करना है तो उससे भी नेशनल सेविंग गवर्नमेंट अगर कम खर्च करती है तो उससे नेशनल सेविंग बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा सो ये पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे सेविंग कर आपका टूवर्ड टू द राइट शिफ्ट हो सकता है और इन्वेस्टमेंट कर्व टूवर्ड्स लिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो ये डिफरेंस इंक्रीज होगा उसके लेफ्ट शिफ्ट होने की काजेज़ क्या हो सकती हैं कि फ्यूचर का मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर कम हो जाए तो हम इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में इसे देख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट फिर कम हो जाएगी तो ये टू टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा या गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को इनक्रीज़ कर देती है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जिनके तहत ये जो डिफरेंस है बिटवीन डिज़ायर्ड सेविंग एंड डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट ये डिफरेंस जब इंक्रीज हो सकता है इन वजूहत की बिना पर और वो फिर आपकी नेट फॉरेन लैंडिंग को चेंज कर दे ओके सो हम एक केस डिस्कस करते हैं कि जिसमें देर इज़ अ टेम्पररी एडवर्स सप्लाई शॉक सो टेम्प्ररी एडवर्स सप्लाई शॉक से क्या होगा कि आपकी इनकम टेम्पोरेली वो कम हो जाएगी ठीक है जब इनकम कम होगी तो उससे आपकी सेविंग कम हो जाएगी और उससे नेट फॉरेन लैंडिंग भी कम हो जाएगी हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल टेम्पोरेली किसी साल सैलाब आ गया या कोई और इस तरह की सूरत हाल होगी तो उस साल फिर इनकम कम हो जाएगी और उससे सेविंग भी अफेक्ट होगी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं अफेक्ट होगी इसलिए कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये शॉक टेम्पोरेरी है इसका परमानेंट कोई इफेक्ट नहीं है जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हमने देखा कि वो फ्यूचर की मार्जिन प्रोडक्ट पर डिपेंड करती ओके okay. सो so, इस डायग्राम से ये बात हम समझते हैं कि किस तरह से कोई टेम्परेरी एडवर्स सप्लाई शॉक जो है वो लैंडिंग को कम करेगा इनिशियली दिस इज द इन्वेस्टमेंट कर आई वन एस वन इज़ द इनिशियल सेविंग कर ओके आर डब्ल्यू इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट है तो इस पर फ्राम ओ टू ए दिस इज़ द डिज़ायर्ड एट दिस इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट एंड फ्राम ओ टू बी दिस इज़ द डिज़ायर्ड डिजायर्ड सेविंग ओ इज़ द डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड ओ बी इज़ द डिज़ायर्ड सेविंग, सो जो डिफरेंस है बिटवीन सेविंग और इन्वेस्टमेंट में दैट इज़ ए बी ओके दिस डिफरेंस इज़ योर नेट फॉरन लैंडिंग इसे हम बार बार इस पर बात कर चुके हैं कि आपका ये करंट अकाउंट सरप्लस भी इसे हम कहेंगे ओके अंडर सर्टन अदम्पन्स के जिसमें नेट फैक्टर पेमेंट ज़ीरो हैं और जिसमें आपकी यूनिट्रल ट्रांसफर्स जो हैं वो नेट ज़ीरो हैं उस अदम्पन के तहत ये आपकी नेट एक्सपोर्ट्स भी होगी या करंट अकाउंट आपका सरप्लस भी होगा और ये नेट फॉरन लैंडिंग भी होगी सो एनी हाउ इस सिचुएशन में ए बी इज द नेट फॉरेन लैंडिंग अब इस टेम्परे एडवर्स सप्लाई शाक की वजह से इनकम कम हो गई है उससे सेविंग कम हो जाएगी तो सेविंग कर्व शिफ्ट हो गया टू द लेफ्ट फ्रॉम एस वन टू एस टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट तो हम बात कर चुके हैं कि वो तो ये इकॉनॉमी चूँकि स्मॉल इकॉनॉमी है ठीक है इसमें कोई भी एक्टिविटी वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं कर सकती इसका शेयर इतना स्मॉल है कि ये उसकी उस मार्केट की इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं कर सकती सो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इज़ सेम आर डब्ल्यू सेविंग कम हो गई है तो उसका इम्पेक्ट क्या हुआ कि वो जो डिफरेंस था डिज़ायर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में वो ए बी से कम होकर अब आपके पास ए डी रह गए सो नेट फॉरेन लैंडिंग आपकी इसके नतीजे में कम हो गई है एडवर्स सप्लाई शॉक के नतीजे में सेकेंड हम केस लेते हैं जिसमें द इफेक्ट ऑफ इकनॉमिक शॉक इन स्मॉल ओपन इकोनमी इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि देर इज दिन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ओके मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फ्यूचर की कैसे इंक्रीज़ हो सकती है एक्सपेक्टेड सपोज देर इज़ द पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन द टनोलॉजी कोई इनोवेशन होगी उसके नतीजे में ओके या टैक्सेस की लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई चेंज आएगी फेवरेबल तो इसके नतीजे में आपकी इन्वेस्टमेंट डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो राइज कर जाएगी और उसके नतीजे में डिज़ायर्ड फॉरेन लैंडिंग जो है वो कम हो जाएगी कैसे सो so, वही पहले की तरह I1 वन इज़ द इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर एस वन इज़ द इनिशियल सेविंग कर सो द डिफरेंस आर डब्ल्यू इज़ द मार्केट इंटरनेशनल मार्केट इंटरेस्ट रेट सो ए बी इज़ द डिफरेंस एट आर डब्ल्यू ए बी इज इनिशली द फॉरन लैंडिंग ओके सो इसकी वजह से जो हमने ज्यूम किया कि कोई इनोवेशन होगी और इस तरह की कोई और चीज़ की वजह से एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट करो तो, आप टू तो टू दाइट दा मूव करके ठीक है आई वन की वजह अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कर हुआ है आई टू और अब इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेड पर अब ये डिफरेंस डिज़ायर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रह गया ठीक है पहले ए बी था और अब उससे ये कम होकर ये वाला एफ बी ये डिफरेंस रह गया सो इसके नतीजे में भी आपकी फॉरेन लैंडिंग कम होगी तो इसमें हमने आज समझा कि स्मॉल ओपन इकानमी में किस तरह से कोई इकोनॉमिक शॉक जो है वो आपकी गुड्स मार्केट को अफेक्ट करेगा और किस तरह से नेट फॉरेन लैंडिंग या बॉरिंग को अफेक्ट करेगा थैंक यू वेरी मच